नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं एक बार फिर से माइनक्राफ्ट। तो गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इसमें एक न्यू केव की खोज में जो हमने खुद ही मैन्युफैक्चर करी है। तो गाइस पहले आपको बता दूं कि अपने इंट्रो गाइस अपने जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमने अपना अपना घर जो भी है मैंने आपको अपना घर पूरा रिव्यू करवा दिया था। उसके बाद हमें गए थे विलेज की खोज में जिसमें हमें ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन गाइस ब्लेज ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था बस ज़्यादा हमें ना सी जो भी था तो उसको पार करके हमें जाना था तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन गाइस जिस जो वहाँ से हम आइटम लेकर आए थे वो आइटम मैंने स्टोर रूम में अपने सजा कर रख दिए हैं। तो गाइस वहाँ से जो आइटम हमें मिलेंगे तो गाइस चलो देखते हैं वो कौन कौन से आइटम थे जो हमें मिले थे। गाइस पहले तो मिला था हमें यहाँ पर लेक्टर जो शायद मेरे हिसाब से उनका यूज़ नहीं पता मेरे को लेकिन गाइस वो ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे कि लाइब्रेरी टाइप में। और गाइस एक मिला था अपन को एक मिनट यहीं पे देख लेते हैं। तो गाइस ये देखो पहले तो अपन को यहाँ पर देखो कितनी ही मस्त आवाज है। और गाइस फाइनली ये देखो एक यहाँ पर ये हमें मिला था लेक्टर्न जो शायद कि लाइब्रेरी है उनमें काम आता होगा। इस पर शायद हम क्लिक नहीं कर सकते इस पर बुक रखाएंगे। और गाइस ये का ब्रिंग स्टैंड ओके इस पर शायद पता नहीं क्या होगा। और अपग्रेडर गेयर मिला था जो पता नहीं कैसे अपग्रेड होगा। और ये मिला था रेपर एंड डिसइंचेंटेड। तो गाइस इससे शायद जो हमारी एबिलिटी अपन ने वेपन्स में लगेंगी अपन ने लगाई नहीं है लेकिन जब भी अपन लगाएंगे उससे इस एबिलिटी को हटा सकते हैं इनको फ्री एबिलिटी फ्री कर सकते हैं। बस फाइनली यहाँ से सबसे पहले आज हम जाने वाले हैं कहाँ पर एक अपनी केव की खोज में। तो गाइस केव में हमारा आज मेन कारण है कि हम कैसे भी करके टाइम खोज कर लेके आए। तो गाइस उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए पहले तो टॉर्च क्योंकि टॉर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉर्च बनाने के लिए ओके क्योंकि हम जाएंगे तो अंधेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन में गया था मैंने थोड़ा बहुत आयरन यहाँ पर पकने के लिए रख दिया था ओके गाइस इससे हमें आयरन इंगट प्राप्त हो गया जो कि हम अभी तक तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको यहीं पर पटक दे रहा है ओके। तो गाइस फाइनली यहाँ पर दो चीज़ मेरे को एक मिनट को यहाँ पर अपने पास नहीं है पिकैक्स तो पिकैक्स यहाँ पर दो पिकैक्स हैं लेकिन हम बाद में उठाएंगे पहले यहाँ पर और देख लेते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की ठीक है। यहाँ पर दोनों पिकैक्स स्टोन उठा लेते हैं तीन मिल गए ओके मैंने देख नहीं पाया था। तो गाइस यहाँ पर इतना मुझे लगता है इतने से काम चल जाएगा हमारा। और 64 यहाँ पर है टॉर्चेस जो कि बहुत ज़्यादा है आई थिंक मुझे लगता है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसे यहीं पर छोड़ देते हैं ठीक है। अपना आयरन पिकैक्स ले जा क्या करेंगे स्टोन ही ठीक है ओके। लेकिन गाइस और हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम बना लेंगे लेकिन रुको गाइस पहले हम जाने वाले हैं अपने खाने की खोज में क्योंकि अपने फार्म एनिमल फार्म में जाएंगे तो वहाँ पर अपन चिकन फार्म बहुत सारे। गाइस आप पूछोगे कि ये यार स्टील एंड ये क्यों बनाया अपन ने। तो गाइस ये स्टील मैंने इसलिए बनाया ये लाइटर ताकि हम बिगर अपना कोल वेस्ट की हम खाना प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस हम वही कोशिश करने वाले हैं जल्दी से जल्दी ऊपर चलने वाले हैं और गाइस सीधे चलो अपने एनिमल फार्म की तरफ गाइस सामने की तरफ वो एक मिनट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार मैं अपना रूल नहीं तोड़ सकता गेट से ही चलेंगे ऐसी बात नहीं कि मैं कहीं से भी चला जाऊं। लेकिन गाइस मैं फाइनली जाता नहीं हूँ लेकिन जल्दी जल्दी चलते हैं अब ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पर एक मिनट इससे पहले लगा दो आराम से ओके। बस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने चिकन फार्म में। तो गाइस यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में चिकन हो रहे हैं। लेकिन गाइस अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये अपना फार्म है ना इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दें एक साइड से और थोड़ा सा बढ़ा दें जिससे कि मज़ा आएगा। और गाइस इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ इसमें आएंगी वो जलकर मर जाएंगी और हमें इससे फ़ायदा भी नहीं मिलेगा क्योंकि पंख होता है वो तीर बनाने के काम आता है और भी उसका यूज़ मैंने ज़्यादा देखा नहीं। बस फाइनली यहाँ पर हमें पता नहीं कितना पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत और आज जगह आग लगा देता हूँ वैसे अब ठीक है इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे ओके। तो बस पहले इनका इंतज़ार करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी मरने के आ जाओ मर जाओ बुझा देखो कैसे देख रहा है दुख होता है इनको देख के लेकिन कोई बात नहीं गाइस हम यहाँ से ज़्यादा मतलब 100 साल की भूख हम इससे बुझा सकते हैं इतना सारा खाना इकट्ठा हो जाएगा शायद पता नहीं कितनी मर गई होंगी। लेकिन गाइस काम तो करना चाहिए ये वाला ट्रिक मैंने ट्राई तो करके देखा था एक मिनट चलो ठीक है ओके पूरे एग भी उठा लिए एग पहले छोड़ने पड़ेंगे इनके लेकिन कोई बात नहीं यहाँ से पूरा उठा लेता हूँ अगर यह का मुर्गी थे कि ना मेरा खाना चढ़ा जाएगा पीएस। बस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 49 चिकन्स हो गए भाई 49
49 रियल में मजाक नहीं कर रहा। पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पूरे जो भी एग हैं ये देखो फैदर भी 53 होगा भाई, बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन हम यहाँ पर एग यहीं पे छोड़ देते क्योंकि ये अभी हमारे किसी काम के नहीं, ये थोड़ा अभी इनको टाइम चाहिए। ठीक है आ जाओ एक मिनट इधर से चल रहा है ये अपना घर। ओए हट यार, छोड़ हट। ओके अरे यार बिना फालतू एक को मार दिया मैंने। चलो ठीक, अब सीधे चलने वाले हम ऊपर अपने घर की साइड, ताकि मैं इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दूंगा। लेकिन अभी तो हम सीधे चलने वाले हैं अपने केव की साइड। क्या इस केव कोई नहीं जाने वाली, जो हमने सुरंग बनाई थी अपनी, जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो में इसका रिव्यू ज़रूर डालूंगा, तो बस आज हम वही गेट के पीछे जाने वाले हैं। बस मैं वही बताने वाला हूँ कि वो गेट कहाँ पर लेके जाता है अपन को। ठीक है बस सीधे सीधे हम आ चुके हैं यहाँ पर, पहले गेट बंद करते हैं और सीधे चलते हैं अब ऊपर की साइड। ऊपर नहीं नीचे चलेंगे, तो बस यहाँ पर इतना ज़्यादा फूड ले जाकर तो हमें वेस्ट ही रहेगा। पहले यहाँ पर इसको फूड को कम करेंगे और उसके बाद का सबसे ज़्यादा मेन होता है अपना बेड। तो गाइस मैं बेड भी उठा लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो गाइस यहाँ पर अपन इसमें रख देते हैं। ओके यहाँ पर अपन 17 रख लेते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा। और गाइस एक मिनट रुको, यहाँ पर थोड़ा बहुत पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ से रुको, ये किस काम के फ़ायदा, तो इधर ही पटक देते हैं क्योंकि बिना फालतू अगर हम मर गए तो भाई सब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने बेड भी रख लिया साथ में, ताकि हम जहाँ पर हमें लगे कि कोई ख़तरा है तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकें। चलो ठीक है हाँ। और यहाँ पर रुको, अभी तो थोड़ा पिकैक्स और बना ली, 3 पिकैक्स और बना ली, मतलब हो चुकी है 6 पिकैक्स ओनली। तो बस अब बारी आ चुकी है अपने गेट के अंदर जाने की। तो बस फाइनली ये गेट लेके जाता है हमें दुनिया की सबसे डीप केव की साइड। रियल में मजाक नहीं कर रहा। तो बस अभी तो बहुत ज़्यादा अपडेट इसमें बाकी है। गाइस एक मिनट, मैंने बोला था कि मैं अगली बार बताऊंगा, लेकिन गाइस मैं बता नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने बाहर घर के बगल में गाइस, मतलब हम डायरेक्ट इधर अपने स्टोर रूम में आ भी सकते हैं और यहीं से अपन अपने जो मंजिल है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा नीचे, मतलब जहाँ तक ज़मीन जाती है वहाँ तक अपने लैडर पर जा कर रखी है। तो गाइस ये अपन को पूरा ले जाती है। लेकिन गाइस अपन को चाहिए डायमंड, तो डायमंड तो इधर नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओके लेवल क्रैश करेंगे। ओके हम 20 लेवल पे आ चुके हैं। एक मिनट यहाँ से चलेंगे, आई थिंक यहाँ पर भी नहीं, हम शायद 0 लेवल पे चलते हैं, वहाँ पर खुदाई करेंगे। इधर नहीं जा रहे, चलो थोड़ा और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 0 लेवल पर चलते हैं, वहाँ से शायद हमें डायमंड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो और यहाँ पर डीप स्टोन भी मिल जाते हैं। तो गाइस ये भी बहुत अच्छी बात है, इनका भी पता नहीं यूज़ क्या है लेकिन ठीक है, मज़ा आ जाता है। चलो आराम से एक मिनट ये ठीक है। हम जाएंगे पहले स्ट्रेट जाएंगे, मुझे लगता है स्ट्रेट ही चलना चाहिए। तो गाइस हम खोदने वाले हैं आज यहाँ पर सुरंग, इतनी सुरंग खोदेंगे जब तक हमें डायमंड नहीं मिलेंगे। ओह शिट गाइस, मैं आयरन पिकैक्स छोड़ के आ गया यार। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि भाई सब कि आज डायमंड के लिए आयरन पिकैक्स जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर हमें डायमंड मिलेगा तो हम वहीं से आयरन पिकैक्स ले जाएंगे। पहले अपन खुदाई स्टार्ट कर देते हैं, अब मैं दोबारा लेने नहीं जा सकता। ओके फिर जाएंगे, लेकिन आप ओके आयरन तो बहुत ज़्यादा है, आयरन की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने पास आयरन अपन जितना मिलेगा, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मैं छोड़ दूँ, जितना आइटम अपन को मिलने वाला है ना मैं सारा आइटम लेके चलेंगे। ठीक है ओके आ जाओ, मतलब कोई आइटम अपन को वैसे ही आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है कुछ ही टाइम में। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर फार्म वार्म भी बनाना पड़ेगा आयरन के। तो गाइस आयरन फार्म बनाने के लिए प्लीज़ बता देना यार कमेंट करके कि क्या क्या ज़रूरी है आयरन फार्म बनाने के लिए, क्योंकि मैं कब तक खुदाई करूँगा यार, वो डायमंड फार्म नहीं बनता क्या। चलो कोई बात नहीं, पानी इसे जल्दी से जल्दी तोड़ते हैं और आप चलते हैं सीधे आगे की साइड। तो गाइस यहाँ पर जितना आयरन था अपन ने 12 आयरन था तो मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया। आप चलते हैं आप सीधे स्ट्रेट में। तो गाइस यहाँ पर देखो खुदाई तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि हम आ चुके हैं 0 लेवल पे। यहाँ पर कभी भी पानी आ सकता है और कभी भी यहाँ पर लावा आ सकता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ थोड़ी और दूर, लेकिन गाइस अभी तक यहाँ पर डायमंड का नाम और निशान नहीं है रियल में। अगर गाइस डायमंड मिल जाता ना मज़ा आ जाता। चलो ठीक है यहाँ पर एक मिनट गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं थोड़े इधर आया, लेकिन यहाँ पर लैपिस लपूस की तो मुझे मिल गई और यहाँ पर डाक आयरन ही पड़ा। लेकिन रुको, यहाँ पर किसी का साउंड आ रहा है गाइस, मुझे लगता है केव है नीचे शायद केव। केव है यहाँ पर बहुत तेज आ रहा था। एक मिनट, ये गोल्ड है क्या? एक मिनट
नहीं, गोल्ड नहीं यार, ये आ रहा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें नीचे जाने के लिए पहले रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि कोई ज़ॉम्बी हम पे अटैक करे। एक मिनट गाइस, मैं नीचे जाने से पहले ना थोड़ा वो टॉर्च लगा देता हूँ, और टॉर्च लगाने को एक मिनट, यहाँ पर पूरा टॉर्च लगा दूंगा। गाइस साउंड तो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर वो सेफ्टी तरीके से जाना पड़ेगा। ओके, धीरे 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 धीरे, क्योंकि भाई सब इतना कंट्रोल नहीं। आ जा बेटे। ओ भाई, हेलमेट वो भी गोल्ड का, वाह दिस इज अमेजिंग। वैसे मैं पहना हुआ हूँ गोल्ड का हेलमेट ही है ओनली, बस और कुछ नहीं है। चेस्ट प्लेट भी नहीं है मेरे पास तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम बना लेंगे चेस्ट प्लेट, जो कि एक दमदार बात है। लेकिन गाइस हमें अभी फ़िलहाल तो स्केप के अंदर जाना है मुझे। भाई ये तो जाते से ख़त्म हो गई, रियल में देख रहे हो भाई, इतनी मेरी टॉर्चेस वेस्ट गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम दूसरे मतलब यहाँ से अब चुपचाप निकल लेने चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। इधर तो कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा था कोई एक आध डायमंड वायमंड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आयरन है तो मैं इसकी थोड़ी खुदाई कर लेता हूँ। एक मिनट रुको 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 रुको, भाई साउंड आ रहा है, आराम से खोदूंगा। रियल में भाई कोई तो जॉम्बू है, मतलब एक और केव है यार बगल में, इस तरफ है तो मैं आराम से जाऊंगा, धीरे से जाएंगे। ओके, किसी को पता ना चले। ओके तो पहले इसे तोड़ते हैं यहाँ से, जितने आयरन मिलेंगे सारे आयरन आज मैं इकट्ठे करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार डायमंड की कमी हो जाएगी लेकिन आयरन कमी नहीं होगी। लेकिन गाइस मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे नहीं मिलते डायमंड। मैं बहुत मतलब और भी मैं पहले आया हूँ लेकिन डायमंड खोज में, लेकिन डायमंड मुझे बिल्कुल नहीं मिले। पता नहीं किस जगह पे मिलेंगे, किस लेवल पे मिलेंगे। तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि डायमंड्स क्या मिलने का चांस है सबसे ज़्यादा। एक मिनट, मैं कहाँ गिर गया? अरे नहीं, सॉरी सॉरी, मैं नीचे गिर गया यार। चलो मैं मेरी केब में था। ओके तो गाइस आई थिंक मुझे यहाँ पर टॉर्चेस लगा देनी चाहिए ताकि थोड़ा उजाला लगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमें अपने बाहर निकलने का रास्ता भी देखना पड़ेगा। ओके गलत ही लगा दीजिए। तो गाइस यहाँ पर एक आयरन है, ओके इसे तोड़ते हैं। और गाइस इसको ये, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें इधर खुदाई कर लेनी चाहिए। तो गाइस कुछ तो होना चाहिए सामने, लेकिन गाइस अभी तो मुझे कुछ भी देख रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर साउंड बहुत तेज़ आ रहा है, साउंड बहुत तेज़ आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बैट रख देना चाहिए, क्योंकि गाइस मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, यहाँ पर रिस्पोर्ट बोर्ड सेंड कर दिया, और अब चलो सीधे। अगर हमारे जान को यहाँ पर ख़तरा भी होता है तो हम शायद सेफ बच जाएंगे, यहाँ पर दोबारा आके अपना आइटम उठा लेंगे। मेरे पास आयरन और लेपिस लेपुरी देख सकते हो। ओ भाई गाइस यहाँ तो उजेला हो रहा है। ओ माय गॉड, ये कौन सी चीज़ है? एक मिनट एक मिनट, पहले इनको एक काम करते हैं, यहाँ पर साफ़ करना पड़ेगा आराम से, धीरे से पहले रास्ता चेक कर लेता हूँ। इसको पैक करते हैं। ओके, हमें कोई नई चीज़ मिली है दोस्तों, तो हमें इसे पैक करना पड़ेगा। और गाइस 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 एक मिनट, यहाँ पर हमें कुछ लगा देना चाहिए, कोई स्पेशल चीज़ मिली। एक मिनट भाई, ये कौन सी चीज़ है बेटे? ओए इतनी ज़्यादा नीचे, एक मिनट एक मिनट, ये केब में से आ रहा है, मतलब नीचे केब है। आराम से आ जाओ बेटे, आ जाओ, पढ़ेंगे ना तुम्हें कि तुम्हारी पुस्तक कांपेंगी। ओके, यहाँ पर अपनी शॉर्ट कहाँ गई? शॉर्ट टूट गई यार, इनको मारते मारते। गाइस यार शॉर्ट लगता है हमें डायमंड की बनानी पड़ेगी, लेकिन डायमंड मिलने के हैं नहीं गाइस। डायमंड में, ओ भाई आयरन चेस्ट प्लेट गोल्ड की और हेलमेट भी। भाई चेस्ट प्लेट की वैसे मेरे पास कभी, ये दे दे प्लीज़ दे दे। आज चलो ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं ये दोनों। ओके, यहाँ पर चेस्ट प्लेट इसने दे दी, चलो अच्छा रहा। पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन गाइस ये कौन सी चीज़ है यार? मैंने अभी तक रियल में, मैंने इतने दिन से खुदाई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिली ये वाली चीज़। चलो ठीक है, आराम से उठा लेंगे हमें से। ओके, मैं सोच रहा हूँ भाई कोई ज़ॉम्बी अटैक वटैक ना करे हमारे ऊपर। एक मिनट इधर से चेक कर दे। एक मिनट गाइस, इसमें देख रहे हो आप, ज़ॉम्बी घूम रहा है। ओहो, मतलब इससे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं क्या? और गाइस सामने चेस्ट प्लेट भी है। ओके चेस्ट है एक। ओके तो अब शायद नहीं आएंगे, मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। लेकिन 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 ये कौन सी चीज़ है गाइस, देख रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन गाइस ये पता नहीं ज़ॉम्बी स्पॉनर है तो इससे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। एक मिनट ये उठा लेता हूँ गाइस। चलो ठीक है, एक मिनट इसे चेक करके आए कि यहाँ पर। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इधर चेक करके आते, लेकिन यहाँ पर आयरन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर आयरन पहले हम उठा लेंगे और उसके बाद चलेंगे लोग जहाँ। पहले यहाँ पर थोड़ा सेटअप देखने दो यार, एक सेकेंड। रुको 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 रुको, यहाँ पर आयरन तो बहुत सारा है गाइस, इस आयरन को तोड़ के ही हम नीचे जा पाएंगे, इसलिए मैं पूरा आयरन तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार जल्दी जल्दी टूट जाए टूट जाए टूट जाए। भाई सब टूट ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाथ है। एक मिनट इसको चेक करते हैं। ओ भाई, अबे तो ये किसका डर नहीं है बेटे, तो ये निकलने को किसने बोला? एक मिनट इसमें देखते हैं भाई। ओहो, एक इंचेंटेड बुक है। ओके इसे उठा लेते हैं, ये पता नहीं किस काम में आने वाली है।
वो तो जिस भी काम में आए, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा सीट भी हैं, तो उन सीटों को जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। तो मेरे इन सीट है और भी यहाँ पर एक बॉन है, तो भाई और ये फ्रेशर जो भी है इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं। एक सेकंड रुको, तो ओ हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आ जाओ बेटे आ जाओ, पहले यहाँ पर थोड़ा पैक खाते हैं। इसे कोई भरोसा नहीं बाबा, कब इसका दिमाग चल जाए भाई। पहले यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी बना लेते हैं, भाई इसे मारने का तरीका आसान है। तो गाइस आप अपने सिर्फ 2 ब्लॉक का ओनली छत बना लीजिए, उसके बाद ये होता है 3 ब्लॉक के बराबर का, मतलब 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक के अंदर नहीं आ सकता। तो गाइस हम इसे आसानी से मार सकते हैं। तो गाइस इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें इससे एक पल्स मिलती है, मतलब एक आइज मिलती है। तो गाइस हमें जाना पड़ेगा नीदरलैंड। नीदरलैंड गाइस बहुत ज़्यादा नाम सुन लिया, लेकिन अब अगली एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि जाने की ठीक है। लेकिन गाइस उसके लिए चाहिए हमको ऑब्सीडन। ऑब्सीडन मिलता है लावा के पास, लेकिन लावा पर मुझे निकालना नहीं आता कि ऑप्शन में मिलेगा कैसे। तो गाइस हमें यहाँ पर जाने के लिए बस बता देना कि हम नीदरलैंड कैसे जा सकते हैं, मतलब किस तरीके से जा सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लावा के पास हमको कोई पत्थर मिलता है जिसका नाम ऑप्सीडन है, और उससे हमें एक पोर्टल बनाना पड़ता है, वहाँ से हम ऑप्सीडन ले के मतलब जो भी है वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन गाइस मैंने सुना बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए मैं अभी नहीं जाने वाला सेफ्टी। फिर अपन डायमंड वायमंड का सूट बना लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, ठीक है। ओके बस फाइनली यहाँ पर आयरन तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, लेकिन 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 आ जाओ बेटे आ जा, मैं मार रहा है, आ जा आ जा आ जा आ जा, इतना पिटेगा ना तेरे भूत बना रहे। एक मिनट भाई मत मार यार, क्यों मार रही है तू। ओके चलो ठीक है, आराम से धीरे से जाएंगे। ओके यहाँ पर उतरने की जगह, चलो ठीक है। ओके यहाँ से निकलते हैं सीधे। भाई साहब ये कौन सी चीज़ है, एक मिनट पर, कभी कभी मुझे लगता है मेरे को बहम हो रही है, गोल्ड था ये तो। चलो ओके यहाँ चढ़ने की जगह मैंने थोड़ी क्लियर कर दी, तो थोड़ी और क्लियर कर देते हैं इसे और तोड़ देते हैं, ताकि हमें कोई ऊपर जाने में बाहर जाने में प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस मैं थोड़ा और आयरन उठा लेते हैं जल्दी से जल्दी, टाइम लगाने में क्या फ़ायदा, जल्दी जल्दी आयरन उठा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर सीधे नीचे की साइड। ओके एस्केप को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन एक मिनट में इसको पहले यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधे अपने नीचे की साइड। ओके ये सो कॉपर है शायद, मेरे किसी काम का नहीं। ओह हो भाई एक मिनट एक मिनट, चलो 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 चलो, ऊपर 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 ऊपर, भाई क्रीपर है रियल में भाई, इसका भरोसा नहीं इस आदमी का, बहुत ख़तरनाक आदमी है। अबे मत मार भाई, देख रहे फट गया, इतने दूर जा मैं गया और फट गया इसकी ऐसी की तैसी भैंस की टांग। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर दिया, अब शायद कोई नहीं आने वाला, अब नहीं भागेगा तेरा भाई। ओके ये अच्छा, ये रेड स्टोन है, लेकिन यार यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये मिल जाए हमें, क्योंकि इसके लिए चाहिए अपन को डायमंड पिकैक्स। तो गाइस डायमंड पिकैक्स तो अपन लाना भूल गए, लेकिन 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 यहाँ पर और भी सारा है। अच्छा भाई साहब कितनी बड़ी केब है यार, ओह इस साइड क्या है, ये केब जा रही है। लेकिन गाइस इन केबों में कुछ मिलता क्यों नहीं है, ये देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पर जाके ओके मैंने इतनी सारी टॉर्च बर्बाद कर दी, लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं मिला और ये केब बंद हो गई। ओके यहाँ पर एक गोल्ड है, लेकिन गाइस ये गोल्ड शायद मुझे ना मिले, इनको चाहिए आयरन और पिकैक्स। तो मैं भूल गया गाइस आयरन पिकैक्स, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है अब अपना रास्ता अपन नहीं भूल सकते, आयरन पिकैक्स तो भूल गए। बस ये केब तो बंद है, लेकिन हमें चलना चाहिए अब नीचे की साइड। मैं सोच रहा हूँ नीचे की साइड चलते हैं और वहाँ से अपना जो भी रिसर्च विचर्च चालू करते हैं। ओके ये कौन सी केब है, चलो ये तो कोई जाला वाला लगा था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो बस फाइनली अगर हम नीचे गिरे तो सीधे पाताल में पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा हमें सेफ्टी के साथ नीचे जाना पड़ेगा। ओके ये टफ है, ओके किधर लगाते हैं, मतलब टॉर्चेस की कमी नहीं है अपने पास, जिधर जाएंगे उधर वो चेला कर देंगे, हमारा स्वभाव ही ऐसा है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। और गाइस नीचे जाने के लिए हमें कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई सा एक कवर स्टोन लग जाए यार, लेकिन नहीं लग रहा। तो गाइस यहाँ से जंप करूँगा तो मैं सीधा स्वर्ग लोक सिद्धार्थ जाऊँगा, लेकिन 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 ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ओके हम तो गाइस यहाँ पे एक मिनट रुको, फिर इसको तोड़ देता हूँ मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट ये तो हमें चढ़ने की जगह है ना, जस्ट अ सेकेंड सेकेंड, अगर मैं इसे तोड़ दूँगा तो ऊपर है। ओहो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है कहीं से बनाने पर ये रास्ता ना अपने ऊपर जाने की, हाँ यही है, अगर मैं इसे तोड़ दूँगा तो क्या मतलब निकलेगा मेरा। चलो ठीक है इसको तोड़ते हैं यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि मैं सीधे नीचे जाके सीधे किसी केब में गिरूँ, केब में क्या बुरा सोलंग है भाई, मेरी हड्डियाँ भी ना मिलेंगी और हमने रिस्पॉन पॉइंट भी बहुत दूर सेट किया। तो गाइस फाइनली यहाँ से उतरने के लिए हमें नीचे लगाना पड़ेगा एक स्टोन। तो गाइस यहाँ से थोड़ा सीढ़ी टाइप बनाना पड़ेगा, ओके मैं इधर उतर गया, तो गाइस यहाँ पर एक लगा, एक और लगाना पड़ेगा। अरे नहीं 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 यार, चलो कोई बात नहीं,
यहाँ से इसे तोड़ना पड़ेगा, पहले इसे तोड़ते हैं। चल बेटे टूट गया टूट गया, शाबाश, क्या बात है बेटे, शाबाश। चलो ठीक है, अब यहाँ से चुपचाप नीचे उतरते हो। गाइस यहाँ पर कोई आइटम मिले तो अच्छी बात है, लेकिन गाइस यहाँ पर एक और केव है भाई साहब, मैं केव से परेशान हूँ इसलिए तो भाई मैं केवों में नहीं जाता रियल में, इनमें कुछ मिलता नहीं है, पूरा एक्सप्लोर करो। ये देखो एक नीचे भी है, बस मैं इसको कहाँ तक जाऊँगा पता नहीं, और ये बंद हो गई तो मेरा कितना दुख हो। ओहो ये भाई साहब ये देखो, आजा बेटे आजा, तेरे को आज भूत बना डालेगा तेरा भाई। ओहो क्रीपर भी आ रहा, थोड़ा सेफ्टी के साथ और आराम से मैं सोच रहा हूँ ऊपर चले जाते हैं, अगर इसका भरोसा नहीं कोई फोड़ दे। एक में अबे नहीं नहीं ओए आए अबे नहीं ओए, मैं जहाँ कर रहा हूँ रियल में बात पूरा, अबे नहीं शिट यार, कमीने ने फिर से, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, पर इसने फिर से तोड़ दिया यार मेरा, इतना अच्छा मैंने अपना जीना बनाया था लेकिन इसने फिर से तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। तो क्या एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, मैं इसको नहीं जान वाला, मैं सोच रहा हूँ। ओ नहीं नहीं अबे नहीं नहीं फट जा, फट मत फट मत फट, ओ शिट यार इसने फिर से गड्ढा कर दिया भाई, मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी चीज़ें यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ भरोसा नहीं, यहाँ पर लगता है प्रकाश करना पड़ेगा, वो चीज़ करना पड़ेगा इधर पे। ओके यार यहाँ से फिर से लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है, वो थोड़ा लंबा लग गया, कोई बात नहीं मैं फिर से जाऊँगा इस गेम में। चलो चलो चलिए धीरे से जाएंगे, लेकिन कोई अगर फिर से मिल गया ना फिर से भागना पड़ेगा अपने लिए। चलो ठीक है, ओके ओके एक जा रही, ओके तू आ जा बेटे आ जा आ जा, आज तेरे को तो मैं खूब मुझे मार देगा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जाते जाते एक मार के चला गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से एक आयरन नहीं, लेकिन गाइस यहाँ से जाकर ओके नीचे बहुत है। अच्छा बेटे आज आज तूने मेरे दो बार तोड़ा, मैं तेरी प्रजाति को ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन गाइस फिर भी बहुत बेसराम आदमी है रियल में, फिर से फूट गया। इसको ब्लास्ट होने में क्या पैसे देता है कोई, है माइनक्राफ्ट भाई कितनी बड़ी केव है यार, लेकिन गाइस इस केव में मिला क्या मुझे, मैं रियल में इतनी दूर से अपनी टॉर्चेस बर्बाद करके आ रहा हूँ, लेकिन इस गेम में आने से कुछ भी नहीं मिला तुम्हारे भाई को रियल में। चलो ठीक है यहाँ से नीचे उतरते हैं, चलो 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 ओके रेड स्टोन कोई फ़ायदा नहीं यहाँ से तोड़ने से, लेकिन गाइस 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 अब अपने पास हो चुकी है टॉर्च ख़त्म, तो हम टॉर्च का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ओ भाई एक मिनट मैं भूल ही गया गाइस और टॉर्च है अपने पास। चलो ठीक है यहाँ पर ओके, तो गाइस यहाँ पर फिर से अपनी केव बंद हो चुकी है। गाइस यही तो है मतलब मेरी ये केव है ना, पूरा मेरा टॉर्चेस खा गया भाई, कोयले से कितना मेहनत से बनाता हूँ मैं टॉर्चेस, लेकिन और तुम लोग खा लेते हो। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे चलते ऊपर की साइड। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर दूसरी केव की साइड, लेकिन गाइस इधर पर कुछ हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई सब ये मिलते हैं यार रियल में यार, इनको कौन मिलने को बोलता है बेटे, इतना मारूंगा ना तेरे सारी बत्ती सी निकल जाए। चल बढ़ने का भाई साहब इनसे भरोसा नहीं, बहुत तेज़ हो जाते हैं। एक मिनट अब तो नहीं आएगा ना कोई, ओके ओके ओके, तो गाइस यहाँ से फिर से मुझे रेड स्टोन हो रहा, मैं नीचे तो नहीं जाने वाला क्योंकि यहाँ पर रेड स्टोन है। चलो इनको थोड़ा प्रकाश महंगे बना देते हैं। एक मिनट भाई यहाँ से आयरन उठा लेते हैं, आयरन को क्यों छोड़ूँ यार मैं भाई, आयरन को तो मेरा पूरा काम का आयरन है ठीक है। तो गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे लिए इतने ज़्यादा आयरन मिल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं इनको तोड़ूँ मतलब रेड स्टोन को, भाई मेरे बहुत काम में आने वाले हैं आगे आने वाले समय में ठीक है। आई थिंक अब हमें निकल लेना चाहिए चुपचाप, अगर मैं भूल गया रास्ता भटक गया तो मैं कहीं का नहीं बचूँगा। पर ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, एक मिनट यहाँ पर भी गोल्ड है, तो गोल्ड गाइस यार, लेकिन हमें अभी तक डायमंड नहीं मिला, मैं इतनी देर से रिसर्च कर रहा हूँ, अगर हमें एक डायमंड मिल जाता ना रियल में मज़ा, एक डायमंड मिल जाता ना इतना ज़्यादा मज़ा आता कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो गाइस फाइनली यहाँ पर नीचे गिरने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर करने का शौक ज़रूर है। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए ही आया हूँ, तो गाइस थोड़े और आगे चलना चाहिए हमारे लिए। ओके ओके, तो गाइस इधर तो जगह एक मिनट में बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है यार, लेकिन यहाँ पर लेकिन गाइस कोई चीज़ मिलती क्यों नहीं है यार, अगर कोई चीज़ मिलती ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन गाइस ये भी केव शुरू होते से ख़त्म हो गई भाई, किस्मत ही ख़राब है रियल में। लेकिन गाइस कोशिश रहेगी जारी, जब तक हमें डायमंड नहीं मिल जाता हम पीछा नहीं छोड़ने वाले ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे, तो नीचे तो शायद आप लोग बोलो मैं तब भी नहीं जाने वाला, क्योंकि यार नीचे भाई कोई भरोसा नहीं है तुम्हें और तुम्हारे भाई को भरोसा नहीं खुद पर, मैं कब मर जाऊँ मुझे खुद ही पता नहीं रियल में भाई, इतना ज़्यादा डर। वैसे सीक्रेट वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डरना ज़रूरी है क्योंकि ये भाई देख रहे हो कितनी खतरनाक केव है, अगर इसके सामने गिराना तो मेरा पूरा आइटम चला जाएगा। ओके
सीधे चलो। आई थिंक अब हमें ऊपर चलना चाहिए अपने स्पॉनर के साथ। भाई किधर गया मेरा? अच्छा ये रहा, ओके हम यहीं से आए थे एक मीटिंग में। तो गाइस यहाँ से सीधा ये, अब मैंने थोड़ा प्रकाश डाला है, लेकिन गाइस यहाँ से थोड़ा मज़ा तो आने वाला है। लेकिन गाइस ये यहाँ पर मुझे रियल में नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन गाइस ये मिली अपन को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ रियल में। गाइस ये मेरे भाई क्या ही चीज़ मिली है, लेकिन गाइस इसका यूज़ नहीं पता। ये ऐसा तो नहीं होता कि माइनक्राफ्ट में कोई चीज़ हो और इसका यूज़ ना हो, लेकिन गाइस इसका यूज़ अगर होता ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। एक मिनट में अगर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, क्या यहाँ पर जॉम्बी स्पॉन होंगे? एक में ओ भाई, ओ भाई रियल में होने लगे भाई जॉम्बी स्पॉन। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ से जॉम्बी स्पॉन हो सकते हो, वो देख रहे हो। लेकिन एक जॉम्बी क्यों स्पॉन हो रहा है? दो तीन वो मज़ा आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे लगता है यहाँ पर अंधेरा करना पड़ेगा। और है भाई सब अच्छा, ये टॉर्च लगी यार। अगर एक मिनट एक मिनट, यहाँ से थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता बंद कर दूँ और अपने हाथ की टॉर्च पे हटा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन हो पाएंगे। आ जाओ बैठे, आ जाओ, कितने ज़्यादा जॉम्बी आने वाले हैं मैं भी देख लूँ। ओके एक ही आया बस, तो दो तीन तो स्पॉन हो, इतना अंधेरा कर दिया मैंने पूरे में। ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, एक ही जॉम्बी स्पॉन हुआ, लेकिन गाइस मेरे मार तो दो तीन दिए, तीन चार, लेकिन गाइस कोई बात नहीं। लेकिन गाइस सबसे पहले बता दूं कि इसका यूज़ बता देना कमेंट में, रियल में मुझे इसका यूज़ नहीं पता है। मैं भी सर्च कर लूँगा, और अब आप लोगों ने खेला है तो आपको पता होगा कि इसका क्या यूज़ होने वाला है। गाइस चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कोल है तो हम कोल उठा लेंगे, और बाकी सारा आइटम यहीं पर पड़ा रहेगा। रोटन फ्रेश है तो इसको रख लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो जाओ। ठीक है तो गाइस यहाँ से तो मैं सोच रहा हूँ इसको बंद कर दूँ, ताकि कोई भी जॉम्बी हमें, अगर हम कभी यहाँ पर आए भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो गाइस यहाँ से। एक मिनट, रुको 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 रुको, कोबल्ट टी पेस पैन, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसलिए ब्लॉक कर दिया मैंने ताकि हमें, हम कभी यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी कोई जॉम्बी ना मारे भाई। कोई भरोसा 10-15 जॉम्बी इकट्ठे हो जाएँ भाई। एक मिनट एक मिनट, रास्ता किधर है भाई? मैं रास्ता रियल में भटक गया, देख रहे हो रियल में रास्ता भटक गया, पता नहीं किस तरफ रास्ता था मेरा। चलो चलो ओके, ये तो नीचे वाली रास्ती है, रास्ता है। ओके इधर से जाएंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे भाई ऊपर रास्ता है, क्या सीन है यार। मैं मेरा ही रास्ता भूल जाता हूँ रियल में। देख रहा हम कितने नीचे आए थे अपने मेन रास्ते से। मैं अपने जो भी है मैं वो तोड़ नहीं सकता, मैं रूल नहीं तोड़ सकता रियल में। चलो ठीक है, ये रास्ता, ओके ये भी नहीं है। ओ हो भाई मैं तो भूल ही गया। ठीक है यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर दो तीन, ताकि हमें स्पेशल चीज़, मतलब इसका साइन हो गया है कि ये एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है कभी भी अगर मैं बगैर देखे भूल भी जाता हूँ तो गाइस यहाँ पर आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कोई यहाँ पर स्पेशल चीज़ दबाई थी। ओके तो गाइस फाइनली ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर सीधे खोदना है। ओके बस मैं चला जा रहा हूँ, एक मिनट का। गाइस 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 लगता है मैंने कोई से गलत ब्लॉक तोड़ दिया। ओके मुझे लगता है यहाँ पर आगे नहीं करना चाहिए, एक मिनट को रुको। तो गाइस मैंने यहाँ पर पानी तो बंद कर दिया, लेकिन 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 अब निकलेंगे कैसे गाइस? प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। चलो कोई बात नहीं, इस रास्ते को छोड़ दें। और गाइस 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 लैपिस लाजूली भी अगली बार ले लेंगे जाते जाते, लेकिन गाइस ये तो कॉपर है, इसको छोड़ो, इसका यूज़ ही नहीं पता मेरे लिए। तो गाइस यहाँ पर ये वाला रास्ता है अपना मेन, जहाँ पर अपना स्पोनर है। लेकिन 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 गाइस अब हमें चलना है अपने सीधे, मतलब मैं सोच रहा हूँ आयरन पिकेक्स लेके आए और वहाँ से सीधे चलेंगे अब। ओके तो गाइस हम चलने वाले अपने महल की साइड। ओके तो गाइस वहाँ से अपन आयरन पिकेक्स लेके आने के बाद ही आएंगे, ठीक है? ओके तो गाइस चलो 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 जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एक मिनट रुको। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने स्टोर रूम में। तो गाइस यहाँ पर हमें आयरन पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस मैं दो आयरन पिकेक्स रख लूँगा। ओके किधर जा रहा था मैं भी, एक मिनट रुको रुको रुको, लैपिस लाजूली बाद में वापस रख देता हूँ यार, ये चीज़ें किसी काम की नहीं वैसे भी अपने। ओके मैं सोच रहा था जो भी आइटम था वो सारा इधर पटक देता हूँ, आयरन यहाँ पर पटक देता हूँ, रोटर फ्रेश तो किसी काम का नहीं, आयरन पटक रहा हूँ इसमें ताकि हमें काम में आते रहे। तो ओके गाइस मैंने फिलहाल वहाँ आयरन रख दिया, और गाइस यहाँ से थोड़ा बहुत आयरन उठा लिया है, तो पहले मैं बनाऊँगा हेलमेट। एक मिनट एक मिनट, हेलमेट की मैं सोच रहा हूँ आयरन का बना लेते हैं हेलमेट, और गाइस यहाँ से बना लेते हैं कि पैंट पैंट कैसे बनेगा बेटे, पहले वुड बना देते हैं। ओके शूज़ बना लिए मैंने, तो शूज़ बनाने के बाद थोड़ा बहुत बचेगा तो गाइस मैं, ओके यहाँ पैंट, भाई मुझे भी आने लगी ली रही है रेसिपी। तो
वैसे फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरा अपना आर्मर कंप्लीट कर दिया, आयरन का आर्मर, लेकिन अब जल्द ही डायमंड में तब्दील करने वाले। लेकिन गाइस मैंने इसलिए नहीं बनाया, आप पूछो भाई गोल्ड का क्यों नहीं बनाया, लेकिन गोल्ड का मैं नहीं बनाना चाहता, चाहता बना लेते, लेकिन गाइस गोल्ड बहुत ही ज़्यादा हल्का मटेरियल है। रियल में आयरन मैंने कभी कभी अनुभव किया है, रियल में आयरन से ज़्यादा हल्का मटेरियल है गोल्ड रियल में। चलो ठीक है, यहाँ पर पहले पिकैक्स तैयार कर लेते हैं, 2 से 3, तो गाइस यहाँ से जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ जाएगी। 1 मिनट, 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 ही ठीक है। और यहाँ पर जितना आयरन बचा है वो वापस रख देते हैं, और गाइस हमें 56 आयरन मिला था वो अपने ने रख दिया है पकने के लिए, जिससे आयरन इंगट हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारा आइटम अपना ट्रांसफ़र कर दिया है, बाकी जो भी आइटम था तो अपन ने मेन मेन आइटम था वही बचाया। तो गाइस अब हम चलने वाले हैं सीधे वहाँ पर जहाँ पर डायमंड थे, डायमंड तो नहीं थे लेकिन आज हम गए थे डायमंड की खोज में, लेकिन हमें डायमंड नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे किसी नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहीं पर केव में। तो गाइस जितना भी यहाँ पर रेड स्टोन है मैं सारा रेड स्टोन आज ले जाने वाला हूँ, और गाइस रेड स्टोन के साथ साथ गाइस जितना भी हमें गोल्ड मिलेगा वो सारा गोल्ड आज हम निकालने वाले। तो गाइस फाइनली आप लोग 15 अपने पास हो चुका है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ से कोई ख़तरा तो नहीं है वैसे अपने लिए, लेकिन फिर भी हम आराम से सतर्क साथ जाएंगे। लेकिन आज मैंने कहीं पर देखा था कि यहाँ पर गोल्ड लगा था एक, तो गाइस मैं वही लेने जा रहा हूँ। ओके यहाँ से ओके ऊपर जाना पड़ेगा क्या, वो अपन ने आग लास्ट वाला गोल्ड देखा था, वो पता नहीं कहाँ पर है यार। चलो ठीक है, ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन पता नहीं इसकेब में नहीं है, इसकेब में नहीं है। तो कितनी घूमे भाई जगह है यार, लेकिन यार यहाँ पर रुको एक मिनट भाई, नीचे है, अच्छा नीचे है। चलो चलो यहाँ से थोड़ा जंप करके नीचे चलना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि गोल्ड नीचे है भाई, ऊपर नहीं है। मैं सोचा था ऊपर ही गोल्ड है, लेकिन इस साइड था। ओके इधर भी नहीं, एक मिनट भाई, इधर ही तो था और भी। अच्छा ये रहा देखो गाइस, 3 गोल्ड है अपने पास। तो गाइस और भी गोल्ड शायद इसके नीचे हो, लेकिन गाइस 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 नहीं है यार नीचे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 आयरन गोल्ड मिल गया अपन को, नगेट मिल गए। ओके क्या है, आयरन रो है, रो गोल्ड मिला है। चलो ठीक है, इसको आयरन इंगट बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा कोला अभी है। लेकिन गाइस इधर वो चलते हैं, इधर मुझे लगता है एक को अपन ने डायमंड गोल्ड दे सॉरी डायमंड दे देखा था, डायमंड तो नहीं था लेकिन गोल्ड जरूर देखा था। तो गाइस हम यहाँ पर सीधे नीचे चले वाले का थोड़ी सेफ्टी के साथ, अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो गाइस बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगी। ओके यहाँ पर जितना भी अपन ने देखो जलाया था, थोड़ा थोड़ी रोशनी यहाँ पर ज़्यादा तय नहीं लगता आई थिंक ये। ओके यहाँ पर देखा से फिर से वो इसके नीचे ही मिल गया। ओके भाई साहब और भी, एक और भी है भाई, गोल्ड मिल रहा है, हल्की बात नहीं है यार रियल में ऐसी। भाई साहब गोल्ड मिल रहा है, चलो ठीक है यहाँ से आराम से तोड़ेंगे, जल्दी जल्दी चलो बैठा जाओ और देख लेते हैं इसके आस पास की जगह। ओ भाई साहब चलो अच्छा रहा, बढ़िया रहा भाई, गोल्ड गोल्ड मिल गया अपन को। गाइस फिलहाल अपन आए थे कि हमें डायमंड की खोज में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गोल्ड मिला अपने लिए। तो बस कोई बात नहीं, लेकिन गाइस जिसकी अपन को अनुभव भी नहीं था वो चीज़ अपन को मिल गई। गाइस इस कॉर्नर मिल गया रियल में, गाइस यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो में रियल में। गाइस अगर आप लोग को आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी माइनक्राफ्ट की वीडियो, गाइस जो नया नया आप ये प्लेयर है तो गाइस उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स वीडियो आने वाली है और भी चैनल पे, तो गाइस इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। और गाइस किस तरीके से स्ट्रेटजी लगाकर यहाँ पर चीज़ों को खोजा जाता है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ से आप चुपचाप निकल लेते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से आप नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कोई भी चीज़। मैंने देख ली थी पूरी जगह टॉर्च वॉर्च खा गए, ये केब में मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर आकर। लेकिन गाइस अब हम चलने वाले हैं अपने घर की साइड, घर तो नहीं जाने वाला लेकिन गाइस जो ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास जरूर जाने वाला हूँ। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं वहीं पर, बस चलो धीरे से जल्दी चलते हैं ऊपर की साइड। एक सेकेंड, तो गाइस यहाँ से मुझे लगता है आई थिंक हमें यहाँ पर ज़ॉम्बी मतलब जो भी है ऑप्शन है यहाँ यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ आया रियल में, हमें ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। ओके अब हम चलने वाले ऊपर, इधर एक मिनट भाई साहब फिर से आ गया। चलो ठीक है, इधर जाएंगे अपने घर का रास्ता। अरे नहीं यार गाइस मैं फिर से गलत रास्ता आ गया, ये अपने घर का रास्ता नहीं है यार, किधर गई मेरे घर का रास्ता यार शिट। वापस चलो, मैं कितने जल्दी अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ यार। चलो वापस चलो। ओके तो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ फिर से, क्योंकि मुझे लगता है अपने घर का रास्ता किधर। ओ अरे भाई ऊपर है यार रियल में, मैं कितना बुद्ध हूँ। चलो ठीक है अब ऊपर चलना पड़ेगा अपने के लिए। गाइस हम जाने वाले हैं आज अपने वही ज़ॉम्बी के
लेकिन 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 गाइस उसका प्लीज़ यार यूज़ बता देना, इसका जो भी अपने जॉम्बी स्पॉनर है ना, प्लीज़ इसका यूज़ बता देना कि इसका यूज़ क्या होने वाला है। रियल में अभी तक मुझे नहीं पता। ओके भाई सोना नहीं, मैं सब यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहा था, ठीक है। तो गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से जॉम्बी यहाँ पर देख रहे हैं घूम रहे हैं। तो गाइस इनको घूमते हुए जॉम्बी को अपन को बाहर भी लाना, और इसका यूज़ क्या है मुझे बता देना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन ने पूरा आयरन का आज आयरन सूट तैयार कर लिया है, ठीक है। गोल्ड मिला लेकिन अपन को आयरन बनाना था, और गाइस इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं गोल्ड में डायमंड में तब्दील। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और इसके बाद तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड आने वाला है वीडियोस में। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो ठीक है भाई साहब, आज के लिए नहीं, ओके। तो गाइस और कुछ आपको लगे तो गाइस कमेंट में बता देना, कि कोई सी अगर नई चीज़ माइनक्राफ्ट की चाहिए हो आपको, तो गाइस मैं कोशिश करूँगा कि माइनक्राफ्ट की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आपको ना पता हो तो गाइस मैं खोजने की कोशिश करूँगा। और गाइस सबसे पहली बात को डायमंड का मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आई होप गाइस अगर हो सके तो माफ़ कर देना, लेकिन गाइस डायमंड मैंने आपके सामने इतना खोदा लेकिन फिर भी मुझे डायमंड नहीं मिला, इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। तो गाइस इसीलिए प्लीज़ मुझे बता देना कि किस लेवल पे मैं जाऊं कि वहाँ पर मुझे डायमंड आराम से मिल सके, ठीक है। और बस इतना ही कहना था, ओके गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 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 गाइस इसका ज़रूर बता देना कि मेरे लिए इसका क्या यूज़ होने वाला है। और गाइस चलो ठीक है, अपन फिर मिलेंगे अपने घर की साइड में, और इसका यूज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर आपको बताऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, फिर